या ये फोटो भी खींचते क्या? यहाँ से चालू हो रहा है ये पत्थर और आसमान की ऊंचाइयों तक है ये पत्थर, और यहाँ पे एक फाउंटेन का शो होता है। यहाँ पे टैंक तो है, टैंक के साथ में यहाँ पे एरोप्लेन, जेट सब रखे हुए हैं, दोनों में बहुत प्यार है। जिसका नाम उसमें लिखा हुआ था टाइटल में रामायण, हर जगह नेचर से भरा हुआ प्लेस मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी, जैसे कि यहीं देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप आ रही है। वैसे हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है, मैं आ गया हूँ एक नए वीडियोस के साथ। आज मैं हूँ बेंगलोर में और अभी मैं आया हूँ कंपेंगोड़ा, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नेशनल आर्ट गैलरी की तरफ। और यहाँ से नेशनल आर्ट गैलरी की डिस्टेंस होती है करीबन 3 से 4 किलोमीटर की, जो अपने को बस लेके जाएगी, 10 रुपए लगता है यहाँ से जाने में। फिलहाल देखता हूँ कि कैसा रहता है सफर, और मैं आपको ये बता दूँ कि ये वन ऑफ द फेमस म्यूजियम गैलरी है। उसका प्राइस कुछ 20 रुपए है इंडियन के लिए, और फॉरेनर के लिए 500 रुपए है। जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या क्या है और हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं एक्स्ट्रा। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आज का सफर शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने को बस देखने में, कौन सी बस जाती है वहाँ पे, क्योंकि अभी इतना बड़ा बस स्टेशन है, अपने को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से जाना है। अब जाता हूँ किसी से पूछता हूँ जो लोकल है यहाँ पे, तो मेरे को ऐसे हेल्प कर सके। यार इस वाले में जाना था मेरे को 114C में, लेकिन ये तो चला गया यार। ये जो बस स्टेशन है कुछ ज्यादा ही बड़ा यार, देखने जाऊंगा तो। यहाँ पे हर टाइप की बस मिल जाएगी अपने को, जहाँ पे भी जाना है बेंगलोर में, शिवाजी नगर, मुरगेश पालिया, इंदिरा नगर और कहीं भी दूसरी जगह पे, कुछ ज्यादा ही बड़ा बस स्टेशन है। अब चलता हूँ, देखता हूँ कि मेरी बस कहाँ पे है। ये आ गई बस, ये लेके जाएगी अपने को नेशनल आर्ट गैलरी। फिलहाल सारे पैसेंजर को यहाँ पे उतार दिया और अब मैं चढ़ गया हूँ। अच्छा लग रहा है, कोई है ही नहीं फिलहाल के लिए। बस से जाएंगे तो करीबन अपने को 20 मिनट लग जाएगा, 15 से 20 मिनट, और अगर अपने पास कोई गाड़ी है तो वहाँ से जाने के लिए अपने को करीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है, उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। अभी 10-15 मिनट के बाद ये गाड़ी चलेगी, तो ऐसे मैं भी पहुँच जाऊँगा जल्दी। वैसे उतर तो गया हूँ मैं बस से, अब यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर है अपना नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो यहाँ से जाना है 200 मीटर, करीबन 2 से 4 मिनट में पहुँच जाएंगे आराम से। चलो भाइयों, पहुँच गए हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ, यहाँ से एंट्री होती है, देखते हैं कि कैसा है ये गैलरी। मैंने सुना है कि इसका सेकंड फ्लोर भी है, तो आज जाके एक्चुअल में पता चला है कि कैसा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेंगलुरु में, मैंने पहले भी बताया है कि बेंगलुरु में इतनी ज्यादा ग्रीनरी है कि अच्छा लग रहा है देख के। हर जगह कहीं भी जाओ आपको हर जगह नेचर से भरा हुआ प्लेस मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी, जैसे कि यहीं देख लीजिए, हर जगह आपको पेड़ पौधे लगे मिलेंगे। इतना मैंने कहीं भी देखा नहीं है ज्यादा, सिर्फ हिल स्टेशन को छोड़ के, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह। वैसे ये जो एंट्री मैंने की थी वो रॉन्ग एंट्री थी, अपने को जाना यहाँ से, और मैंने बोर्ड देखा तो मैं वहाँ पे घुस गया, वहाँ पे पता चला बाद में सोसाइटी है, अब यहाँ से एंट्री हो रही अपनी। कितना? 20 रुपए है ना? क्या ये फोटो भी खींचते क्या? तो अपने को कुछ ऐसा टिकट मिलता है, अब यहाँ पे भी एंट्री करनी पड़ेगी लग रहा है। सो हाँ, मैं कहाँ था, ये टिकट अपने को मिली है, ऐसा एकदम भारतीय टिकट मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि रेलवे की टिकट है, और यहाँ पे आ गया अपना ये गैलरी। यार लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, फोटो भी क्लिक करके डालते हैं। हाँ बस फोटो मैंने इसमें तो नहीं डाले, मुझे लगा फोटो भी आएगी तो और अच्छा लगेगा। ये जो हमारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, ये बनाया गया था 2009 में, और यहाँ से स्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे आके हम लोग देख सकते हैं। उस टाइम पे प्राइसेस थोड़े कम थे, लेकिन इस टाइम पे भी इतने बड़े नहीं है। 20 रुपया इट इज अफोर्डेबल, कोई भी आके देख सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे आने में तो 35 रुपीज लगे, लेकिन कोई बात नहीं। और एंट्री फीस तो 20 रुपया है, इंडियंस के लिए 20 रुपया है, लेकिन फॉरेनर के लिए 500 रुपया है, तो थोड़ा सा ये तो अलग चीज है। और ये जो पीछे पीछे आर्ट बने हुए हैं वो भी खूब तराशे हुए हैं, एकदम देखने में बहुत सुंदर लगेंगे आपको भी। बेहद खूबसूरत जगह है, देखने वाली जगह है, इतने ज्यादा आर्ट है, इतने पुराने हैं, 1900 शताब्दी से लेकर 2017 जितने भी आर्ट हो सकते हैं सारे के सारे आर्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। वैसे ये जो जगह पे है एकदम खूबसूरत जगह पे बनाया हुआ है ये, अंदर कुछ इस तरीके से, बाहर का नजारा कुछ ऐसा है देखने लायक, जहाँ पे ये भी आर्ट से घिरा हुआ जगह है। ये जैसे बीच में आप ये देख सकते हैं कितना मस्त बनाया हुआ है।
वैसे म्यूजियम के अंदर हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, सिर्फ फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने भी फोटोज क्लिक किए हुए हैं कुछ आर्ट के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। यहाँ पे दो फ्लोर है, जैसे कि पत्थर के और स्टील के, लोखंड के और भी दूसरे टाइप के आर्ट्स रखे हुए हैं। जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे अपने रखे हुए हैं चित्रकार, जैसे चित्र बनाए हुए हैं उस जमाने के, तो वो सारे चित्र ऊपर सेकंड फ्लोर पे रखे हुए हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जो आर्ट रखे हुए हैं वो एकदम यूनिक बोल सकता हूं मैं। आप जब देखोगे ये फोटोज, मैं यहाँ पे आपको फोटोज दिखाता हूं, तो ये सारे फोटोज आप देख के आपको लगेगा कि वाह क्या चित्र है आप। लेकिन एक्चुअल में जब यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल में पता चलेगा कि क्या क्या है और ये कब बनाया गया था। दूसरी बात, यहाँ पे जो फोटोज है वो बनाने के लिए जब बनाए गए थे तो उसका डेट लिखा हुआ है, किसने बनाया है वो लिखा हुआ है, और एक्चुअल में ये चित्र क्या है, किसी किसी चित्र का, किसी किसी फोटोज का उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें टाइटल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि किसने और किस जमाने में ये बनाया गया था, उसका हाइट वेट। दूसरी बात, देखने जाऊंगा तो ये जो आर्ट है वो यूनिक बोल सकता हूँ, वो देखने में बहुत सुंदर है। और यहाँ पे बहुत सारे अपने अलग अलग टाइप के भगवान के भी फोटोज बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, जिसमें आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। जो मेरे को एक आकृति सबसे अच्छी लगी वो गणपति भगवान की थी, वहाँ पे गणपति भगवान को एकदम मस्त ब्लैक तरीके से स्ट्रक्चर में रखा गया है, और एक और गणपति भगवान का था जो दूसरे स्ट्रक्चर में रखा गया है कुछ ऐसा, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब आपको मैं सेकंड फ्लोर की बात बताता हूँ। सेकंड फ्लोर में आप जाएंगे, जैसे एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पे चित्र मिलेंगे, फोटोज मिलेंगे देखने के लिए, जैसे कि पिछले जमाने की औरतें कैसी थी, राजा कैसे थे, मुगल एम्पायर का लास्ट राजा कौन था, और भी दूसरे टाइप के फोटोज रखे हुए हैं वहाँ पे। जब और अंदर जाएंगे आप आर्ट गैलरी के, तो आपको और अच्छे से फोटोज देखने मिलेंगी जिसमें लाइव आर्टिस्ट, और एक हिस्सा जिसका नाम उसमें लिखा हुआ था टाइटल में रामायण, लेकिन जब एक्चुअल में आप वो फोटो दिखेंगे तो वहाँ पे आपको शिव भगवान दिखेंगे, पार्वती माता दिखेंगी, गणपति जी दिखेंगे, नंदित बैल दिखेंगे, और साथ में कार्तिकी दिखेंगे, उनके मोर दिखेंगे। तो ये पूरा आकृति बनाया गया है, वो देखने में बहुत सुंदर लगा मुझे, तो एक वो सबसे यूनिक बोल सकता हूँ कि वो चीज थी मेरे लिए देखने के लिए। अब मैं वहां से निकल के आ गया हूं दूसरी जगह पे, जिसका नाम है इंदिरा गांधी म्यूजिक फाउंटेन। पास में आता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यहां पे आता है और करीबन 10 मिनट की दूरी पर है, और इसका चार्जेस करीबन है 30 रुपया पर 1 पर्सन। और यहां पे एक फाउंटेन का शो होता है जो रात में होता है, जो चालू होता है 6:30 बजे। तो अभी तो बज रहे हैं 5:30, तो अभी 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर देखता हूं ये गार्डन में क्या है। वैसे गार्डन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, यहां पे बहुत ज्यादा धूप आ रही है वैसे। हां ये बराबर है, तो ये गार्डन तो कुछ ज्यादा बड़ा है। अब 1 घंटे के बाद चालू होगा, उसके पहले ये गार्डन देखते हैं कि कैसा है। ये भी बहुत ज्यादा हरा भरा हुआ है, फैमिली गार्डन है बोल सकता हूँ। तो ये प्लेस आ गई, यहाँ पे होता है फाउंटेन शो, जो कि काफी बड़ा है यार देखने में तो। और यहाँ पे एक और चीज चल रही है, ये इसका नाम कमेंट में बताइएगा क्या होता है ये। फिलहाल के लिए ये देखते हैं, काफी खूबसूरत सी प्लेस है। अब जब यहाँ पे फाउंटेन शो होगा 6:30 बजे, तब देखते हैं कि कैसा रहता है। वैसे नज़ारा कितना खूबसूरत है यार, ये फुल हरा भरा एकदम वातावरण नेचर के बीच में। यहाँ पे दो कुत्ते मिले, जो फिलहाल के लिए तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैंने इनके साथ बैठ के अभी थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बीत जाए, अभी भी 50 मिनट बाकी है। आओ। दोनों में बहुत प्यार है। कुछ ऐसा है ये गार्डन देखने के लिए, जैसे कि टैंक रखे हुए हैं, बाय द वे एक साइड टैंक रखा है, एक साइड ये दूसरा टैंक है जिसे बड़ा टैंक कहेंगे हम लोग। यहाँ पे टैंक तो है, टैंक के साथ में यहाँ पे एरोप्लेन जेट सब रखे हुए हैं आर्मी के, जैसे कि ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा टैंक है। ऐसे ये हेलीकॉप्टर इंडियन फोर्स का मस्त बनाया गया है, बीच में पेड़ आ गया बट ठीक है। और यहाँ पे ये जेट आ गया है इंडियन एयरफोर्स का, उसी के साथ में सामने आता है हमारा इसरो का रॉकेट लॉन्चर, जहाँ पे हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ था। तो ये प्लेस आ गई ऐसा बनाया हुआ है बाय द वे, ऐसे ही मिसाइल्स और भी चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत है यार। इंडिया AGNIDRDO पृथ्वी। यहाँ पे अंदर भी कुछ रखा हुआ है, लेकिन कैसा क्या यहाँ पे भी बंद किया हुआ है, ये लकड़े आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये बंद किया है तो अंदर जा नहीं सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अलग दिखाता हूँ इस गार्डन में, जो कि मुझे भी नहीं लगा था कि इस गार्डन में या तो किसी गार्डन में भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। ये विशाल काय
पत्थर यहाँ पे रखा गया है। कितना बड़ा पत्थर है और बीचों बीच रखा हुआ है इस गार्डन के। कहाँ से लाए होंगे ये पत्थर यार? बाप रे, बहुत बड़ा यार पत्थर तो। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से चालू हो रहा है ये पत्थर और आसमान की ऊंचाइयों तक है ये पत्थर। कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर से दिखाई दे रहा है पत्थर। जैसे आप गार्डन के अंदर एंट्री करेंगे वहां से ही आपको ये दिखाई देने लगेगा। और ये जो आर्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है बहुत सारी चीजों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, गार्डन के बारे में, और यहाँ पे जो म्यूजिक फाउंटेन होने वाला है उसके बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है हर पत्थरों के बीच में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ऐसे लाइन से पत्थर है और वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये प्लेस देखिए ना, वो हिंदी का एक गाना है ना, बागों में बहार है हाँ है, फूलों में करार है हाँ है, ये गाना याद आता है सुन के। कितना अच्छा लगता है क्योंकि ये पूरा गार्डन जो है एकदम हरा भरा है, एकदम मस्त खूबसूरत, और ये जो आकृति बनाई हुई है बेहद खूबसूरत। वैसे मैंने सोचा शो चालू होने से पहले थोड़ा सा कुछ पेट पूजा हो जाए, तो मैंने सोचा पहले भेल ले लेता हूँ, फिर भेल तो नॉर्मल होता ही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक अच्छा है, तीखा है, तिखट मसाला, हाँ तिखट मसाला शायद से बोला था। तो ये करीबन आया अपने को करीबन 40 रुपए का, ठीक ही है, देखता हूँ कि कैसा है स्वाद, क्योंकि सब लोग वही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने भी सोचा ले लेते हैं। ये पार्क का दूसरा साइड है जिसे कहते हैं हम लोग प्लेग्राउंड। ओके, यहाँ पे तो ये प्लेग्राउंड जैसा बना हुआ है, झूला बना हुआ है, और झूला झूलने के लिए, बैठने के लिए, फिसल गुंडी कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे बच्चे लोगों के खेलने के लिए। एक बच्चा मेरे को देख रहा है, हाय, अभी तो आ गए, अभी तो भी टाइम है, लोग जमा हो गए यहाँ पे, बहुत सारे भीड़ जमा हो गई है बोल सकता हूँ मैं। फिलहाल तो अभी बज रहे हैं 6:40 और अभी भी शो चालू नहीं हुआ है। ये शो चालू होने वाला है करीबन 7 बजे तक, तो अभी देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि माहौल तो बन रहा है, क्योंकि म्यूजिक साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। शायद 7 बजे से एक्चुअल में चालू होने वाला है ये शो, और भीड़ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे जो नॉर्मल रेगुलर पीपल रहते हैं वो भी आ गए हैं, और आउटसाइडर भी बहुत सारे, जैसे कि मैं। एकदम देखने में खूब मजा आ रही है। जो लाइट चालू हो गई तो इसका मतलब कि हमारा ये शो खत्म हो गया है। अब दूसरे शो की बारी है, जो आधे घंटे के बाद दूसरा शो चालू होता है। अब मैं फिर से अंधियार में आ गया हूँ, अंधेरे में। तो फिर कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। देखने जाएंगे तो बहुत मजा आई। 2 जगह पे गए, जिसमें से पहली जगह आई अपनी नेशनल गैलरी, एंड दूसरी जगह आई अपनी इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन, और देखने में बहुत मजा आई। सच बताओ तो इस जगह के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं कभी भी। तो इसी के साथ मैं भी अलविदा लेता हूँ आपसे, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।